हे गाइस, जय श्री राम, जय श्री नारायण। मैं आपके साथ एक नई और लेटेस्ट अपडेट शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते होंगे कि लाइसेंस जो है वो आपके मई और जून के बीच में जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी, जिनकी अपॉइंटमेंट थी लाइसेंस की, चाहे वो लाइसेंस संबंधी किसी भी काम की हो, वो आपकी अभी 15 जून के बाद शिफ्ट कर दिया। तो काफ़ी मुझे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो कल डालने वाला हूँ Q&A के ऊपर, उसमें सारे जितने भी कमेंट्स में और व्हाट्सअप या ईमेल मेरे पास आए थे और लाइसेंस से रिलेटेड जिनकी क्वेरी थी, वो सारी क्वेरी मैं कल सॉल्व करने वाला हूँ। कल इसके लिए मैं क्वेश्चन एंड आंसर एक Q&A वीडियो डालूँगा। अभी आपको फ़िलहाल बता देता हूँ नई अपडेट क्या है। जिन लोगों की अपॉइंटमेंट मई महीने की थी या फिर जून महीने की थी, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थे कि हमारे लाइसेंस की अपॉइंटमेंट हमें मिल चुकी है और RTO हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से RTO बंद था। तो उस चीज़ की मैं एकदम क्लियरिटी कर देता हूँ कि लाइसेंस रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम शिफ्ट कर दिए गए हैं 15 जून के बाद। तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना है। होपलेस बिल्कुल मत होइए। 15 जून के बाद ये ऑर्डर है हर RTO के लिए कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स लिए गए थे लोगों के द्वारा लाइसेंस संबंधी काम के लिए, यानी कि ऐसे लाइसेंस के जितने भी काम जिसमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उन अपॉइंटमेंट्स की डेट अगर मई और जून की थी तो वो सारी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल ऑटोमेटिकली कर दी जाएंगी RTO के द्वारा 15 जून के बाद। तो इस चीज़ को लेकर अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। इन केस 1% अगर RTO इसको करने में असमर्थ होता है, यानी कि 1% अगर आपके फ़ोन पर मैसेज नहीं आता है 15 जून के बाद, तो आप लोग फिर भी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाके साइट पे और ख़ुद से उसकी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर जाके मुझे मैसेज कीजिए। ईमेल नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, ईमेल आईडी पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे भी इजीली कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी जब आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं पर भी आप हमें मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या फिर कमेंट में, बहुत ही जल्दी आपको तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपकी जो क्वेरी होगी वो वहाँ पर भी सॉल्व कर दी जाएगी। अगर और कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके आप अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं। 100% श्योर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। जय श्री राम, जय श्री नारायण।